ये खाली काउंटर दो दिन पहले तक बकायदा भरे हुए थे और इसमें बेशकीमती इंटरनेशनल ब्रांड्स की घड़ियां मौजूद थीं, लेकिन चोरों ने इस शोरूम को ऐसा निशाना बनाया कि तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा कीमत की घड़ियां चुरा कर ले गए। इस मामले में खबर चलने के बाद और तमाम प्रक्रिया के बाद पुलिस ने इंदिरापुरम के SHO समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। हमारे साथ इस शोरूम के मालिक मौजूद हैं, हम इन्हीं से पूछेंगे कि सर आपने पूरा घटनाक्रम भी देखा होगा, CCTV फुटेजेस भी हम लोगों ने कल देखी थी, आपको क्या लगता है कि इस चोरी के पीछे आखिर किसका हाथ है? देखिए जी, ये बताना तो बड़ा मुश्किल है कि किसका हाथ है, पर जिस तरह से घड़ियां निकाली गई और 40 मिनट में 671 घड़ियां निकाल के पैक करके ले जाना, ऐसा लगता है कि किसी ना किसी तजुर्बेकार आदमी का काम है जिसको ये एक्सपीरियंस था कि घड़ियाँ किस तरह से निकलती हैं, किस तरह से स्टैंड से निकालनी है, और सारे स्टैंड सारे क्यूब्स छोड़ के गया है वो, और वॉचेस को बाकायदा राडों की वॉचेस को ट्रे में रख के एक एक रख के पॉलीबैग में डाल के उसने वो रखी हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा होगा उसको वॉचेस से रिलेटेड। तो क्या वैल्यूएशन है, क्योंकि वैल्यूएशन को लेकर कल पुलिस भी बड़ी सफाई देते जाए कि पहले आपके मैनेजर से एक बाइट ड्राइव, बाद में फिर आपका एक बयान भी सामने आया जो कि शायद पुलिस की मौजूदगी में था, तो अब कितनी वैल्यूएशन है उसकी टोटल? देखिए जी, एग्जैक्ट वैल्यूएशन जो हम कंप्यूटर से निकाल सकते हैं वो अप्रोक्सीमेट 3 CR के आसपास है, थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता हैगा क्योंकि जो वैल्यूएशन हैगी उसके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं वॉचेस के, तो जो हमारा कंप्यूटर बता रहा है वो अप्रोक्सीमेट 3 CR के आसपास की हैं, जिसमें सबसे महंगी घड़ियाँ रेडो की हैं जो 70-80 हज़ार से स्टार्ट होती है, 4 लाख रुपए तक की घड़ियाँ थी, तो 90 पीसेस तो रेडो के ही थे, 140 पीस टिसो के थे जिसकी स्टार्टिंग 30 हज़ार से है और 1.5 लाख रुपए तक है। एक सवाल और कि अब पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन आप लोग आगे की है कुछ? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कल जितना लग रहा था, जो उनकी सपोर्ट था कि वो सब चीज़ें पूछ रही थी, कितने एम्प्लॉय थे, कितना कौन पास्ट में कौन छोड़ के गया है, और बस उन्हें फुटेज चाहिए, DVR चाहिए, तो अब वो DVR से क्या क्लू निकाल पाते हैं वो कह नहीं सकते, बाकी ऐसा नहीं लगता कि पुलिस की तरफ से कहीं कोताही बरती जा रही है, बाकी अब हमें तो रिजल्ट से मतलब है जी, कोताही हो या वो, हमें हमारे माल से मतलब, हमारा स्टॉक मिलना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारे लिए है वो स्टॉक है। ऐसे समय में इतना बड़ा लॉस किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? बस जी, हम क्या देख रहे हैं जी, हमारा तो त्योहारों का ऊपर है, आगे रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, दिवाली आ रही है कि, और हमारा स्टोर खाली हो गया, हमारी तो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगी हुई थी। पुलिस वालों पर कार्रवाई तो हो गई है? पुलिस वालों की कार्रवाई से क्या जी, हम तो कहते हैं कार्रवाई हो ना हो हमारा स्टॉक मिलना चाहिए जी, अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है तो उसके उसको सज़ा मिलनी चाहिए और हमारा स्टॉक वापस मिले, बस हम तो यही चाहते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ शोरूम के मालिक हैं जो कि बता रहे थे कि शोरूम में किस तरीके से चोरी हुई और किसी एक्सपर्ट ने इस पूरे चोरी को अंजाम दिया है, क्योंकि जिस तरीके से 600 से ज़्यादा घड़ियों को निकाला गया है वो वाकई कोई एक्सपर्ट कर सकता है। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाज़ियाबाद।